फर्स्ट ईयर स्टूडेंट ऑफ ब्रिटिश कॉलेज ऑफ नर्सिंग। आज मैं आपको बताऊंगा हाइजीन नीड, साफ सफाई, ओरल हाइजीन, मुंह की साफ सफाई। ओरल हाइजीन इज एन इम्पॉर्टेंट बिकॉज माउथ इज द पोर्टल ऑफ द एंट्रेंस ऑफ द फूड एंड डाइजेशन फ्रॉम द माउथ। जो सा हमारा मुंह होता है वो रास्ता होता है खाने का और हाजमे का, तो इसलिए हमें मुंह की साफ सफाई ज़रूर करनी चाहिए। पर्पज़ ऑफ माउथ केयर, माउथ केयर हम किस किस को दे सकते हैं? टू प्रिवेंट डेंटल केयर एंड टूथ डिकीज, टू फील फ्रेश क्लीन एंड सोशल एक्सेप्टेबल, टू प्रिवेंट इंफ्लामेशन ऑफ गम्स एंड सलाइवरी ग्लैंड, to prevent and dental care and total decrease, whose near required mouth care, कौन है जो कौन से पेशेंट है जिनको माउथ केयर दी जा सकती है। अनकॉन्शियस पेशेंट, जो बेहोश होते हैं पेशेंट बिल्कुल जैसे बेड पे पड़े होते हैं, हेल्पलेस पेशेंट जैसे कोई मजदूर पेशेंट, और जो उनसे बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार में हाइपोपरेक्सिया में हो उन्हें हम माउथ केयर दे सकते हैं। टू पेशेंट टू फ्लूइड डाइट, जो उनसे फ्लूइड डाइट पे होते हैं जो खुराक नहीं खुद खा सकते उनका ख़राब होता है उनको दे सकते हैं। और की और भी वजह बात है जिसे हम, और इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं आर्टिकल्स, इसके लिए हमें आर्टरी फ्लटर 1, फोर्सेप चाहिए, एक फेस टॉवल एक चाहिए, माल मैकिंटॉर्च एक चाहिए, कॉटन स्वाब एंड इना बाउल। ठीक है, कॉटन चाहिए हमें स्वाब, कॉटन एक बाउल में, टंग डिप्रेशन जो सा जबान को पकड़ के रखता है वो भी एक चाहिए, अ बाउल विद क्लीन वाटर, और एक प्याला हमें चाहिए जिसमें साफ पानी हो, किडनी ट्रे 1, एक किडनी ट्रे चाहिए है, गॉसपीस इन अ बाउल, गॉसपीस चाहिए, फीडिंग बाउल एक खाने के लिए जिन सा कप होता है वो चाहिए हमें, और एक बस।